हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गोभी की वन ऑफ द मोस्ट रॉयल रेसिपीज़ में से एक, गोभी मुसल्लम। अगर बात करें गोभी मुसल्लम की दोस्तों, तो ये रेसिपी देखने में और खाने में बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। सो वेदर यू आर अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, आपको एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसमें हम होल गोभी को इस तरह से स्टफ़ करके उसकी ग्रेवी बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोभी ले लेंगे, एक बड़ा गोभी चाहिए हमें, शुड बी लार्ज इन साइज। गोभी का जो बेस होता है उसे हमें इस तरह से एलिमिनेट कर देना है। देखिए मैं कैसे चॉप कर लिया मैंने। एलिमिनेट करने के बाद गोभी के हमें इस तरह से चाकू की मदद से इसमें कुछ होल्स पंच करने हैं। हम इसमें अपना स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के पहले हम इसे पानी में डालेंगे, सो दैट ऑल द फ्लेवर्स गो इन। तो इसलिए हमें हल्का हल्का, देखिए इस तरह से दोस्तों, पोक कर लेना है चाकू की मदद से। हल्का काटना है दोस्तों, वी डोंट हैव टू कट इट, जस्ट पोक करना है। अब एक जगह बॉइलिंग पानी है हमारे पास, पानी उबल रहा है एक पैन में। उस उबलते हुए पानी में हम अपना गोभी डाल लेंगे। गोभी को डालकर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, होल स्पाइसेस। सबसे पहले जाएगा दालचीनी, इसके बाद आएगा इसमें बड़ी इलायची, फिर आएगा इसमें लौंग, और साथ ही आएंगे दो छोटी इलायची, और फिर इसमें आएगा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ गरम मसाले इसमें डाल दिए हैं, और साथ ही थोड़ा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर की इस्तेमाल करी है और हल्दी पाउडर की इस्तेमाल करी है। अब हम इस उबलते हुए पानी में गोभी को लगभग 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो दोस्तों, हम जब इसे पकाएंगे, इसके पहले हम इसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डालेंगे, बिकॉज घी की वजह से और ये एक बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा आपको। आप जानते ही होंगे कि गरम मसालों के साथ जब हम घी डालते हैं तो उसका फ्रेग्रेंस कितना अच्छा होता है। सो दैट्स द रीज़न हम थोड़ा सा घी इसमें डाल रहे हैं, ज़्यादा घी नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। और कवर कुक करना है दोस्तों, गोभी को हमें पूरा नहीं पकाना, जस्ट हैज टू बी कुक्ड अंटिल 60%, आधा कुक होना चाहिए। देखिए बीच में मैं इसे 2-3 मिनट के बाद इसे इस तरह से टर्न कर लूँगा, ताकि जो दूसरा साइड है उसमें भी जो जूसेस है, जो फ्लेवर्स है, जो फ्रेग्रेंस है, वो जूसेस उसके अंदर जाए। ऑल राइट, तो जब तक ये होता है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें एक हरी चटनी बनानी है, जैसे लोग बनाते हैं जनरली, हम वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने धनिया पत्ता लिया है, हरी मिर्च ली है, टमाटर लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, और थोड़ा नमक मिलाकर एक हरी चटनी तैयार कर ली है। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे अब हरी चटनी का क्या करना है। वेल, थोड़ी देर की इंतज़ार और फिर आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा सत्तू डाल लें, 1 बड़ी चम्मच इज मोर देन एनफ, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। सो इन द मीन टाइम हमारी गोभी जो है वो ऑलरेडी पक गई है, ज़्यादा नहीं पकी है, इट्स जस्ट 60-70% कुक्ड। इसे हम निकाल लेंगे, यहाँ जो पानी है उसे भी हम निकाल कर अलग जगह रख लेंगे और इसे ठंडा करने देंगे। अब उसी पैन में हम थोड़ा और घी लेंगे, लगभग 1 बड़ी चम्मच, और इसमें हम डालेंगे अपने साबुत गरम मसाले, विच इज़ दालचीनी, घी, सूखी लाल मिर्च जिसे हम तोड़कर डालेंगे, और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए हरी इलायची या छोटी इलायची, जिसे भी हम इस तरह से तोड़कर डाल लेंगे। अब इसे थोड़ा सा हम चटकने दे देंगे, और फिर हम डालेंगे इसमें अपना पिसा हुआ प्याज का पेस्ट। तो प्याज को हमने, 2 प्याज लिया है हमने, 2 प्याज को हमने अच्छे से काट कर उसे मिक्सी में चलाकर इसमें फिर हम इसमें डाल रहे हैं। प्याज को हम कैरमलाइज कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे प्याज को, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन। और फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यहाँ 1 बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ किया गया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जब कुक हो जाए, इसमें हम डालेंगे दही, फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और साथ ही हमारा गरम मसाला पाउडर, जिसके बिना खाना अधूरा है। और फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉल्ट, नमक, जिसे आप स्वाद अनुसार बैलेंस कर लें। और फिर इन मसालों को हमें अच्छे से पकाना है, जब तक कि मसालों से उनका जो ऑयल है वो रिलीज नहीं हो जाता। तो जब तक मसाले अच्छे से भुन रहे हैं, हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे और बीच बीच में आकर चलाते रहेंगे। हम अपना काजू का पेस्ट तैयार करेंगे। सो काजू पेस्ट के लिए सबसे पहले आप उबलता हुआ, खौलता हुआ पानी ले लें और उसमें अपने काजू को भिंगो कर फिर उसका पेस्ट बनाएं। इससे एक मीठी स्वाद आएगी आपको, और जो आपकी जो पेस्ट बनेगी वो वाइट बनती है, ज़्यादा वाइट बनती है, जैसे देखिए इस तरह की बनती है।
अब इस काजू के पेस्ट को हम इसमें डाल लेंगे और फिर इसे भी अच्छे से चला लेंगे ताकि इसका जो रॉनेस है वो चला जाए और काजू हमारे ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए और आपको वो रॉ स्वाद नहीं आएगी और आपको बहुत नटी टेस्ट आएगा, क्रीमी टेस्ट आएगा। और फाइनली फ्रेश क्रीम डालेंगे इसमें ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जुल जाए। क्रीम को भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी जो ग्रेवी बनी है वो काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी नटी है और काफ़ी स्मूथ है। और इसे और स्मूथ और टेस्टी बनाने के लिए जो पानी में हमने गोभी को पहले बॉईल किया था उस पानी को हमने फेंका नहीं था, उस पानी को हम इसमें मिला लेंगे क्योंकि उस पानी में बहुत सारा फ्लेवर्स है। वहाँ पे इलायची है, वहाँ पे दालचीनी है और उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। उसे हम इस तरह से मिलाकर अपनी ग्रेवी को क्रीमी, वेलवेटी, सिल्की स्मूथ बना लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे कुछ देर के लिए। तब तक हमारा जो गोभी है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इट इज़ रेडी फॉर यूज़। अब चलिए इसमें हम अपनी हरी चटनी को स्टफ करते हैं। तो ये रहा गोभी मुसल्लम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हम इसमें अपने जो हरी चटनी हमने बनाई थी उस चटनी को हम इसमें धीरे धीरे करके अंदर तक स्टफ करेंगे बिकॉज इसी में स्वाद छुपी है। सो फ्रेंड्स, गोभी मुसल्लम में जो हम ये स्टफिंग कर रहे हैं यही इसकी सबसे यूनिक बात है और इसी वजह से आपको खाने में वो स्वाद आती है। और गोभी को जब आप स्लाइस करोगे तो आपको अंदर से वैसी ग्रीन ये चटनी नज़र आएगी और ये देखने में और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सो दैट्स द रीज़न। देखिए, अभी मैं थोड़ा सा गैप करके दिखाता हूँ आपको, आपको अंदर हरी चटनी नज़र आ रही होगी। इन द मीन टाइम हमारी जो ग्रेवी है, जो मखनी सॉस है, वो बिल्कुल तैयार है। देखिए इस तरह से उसमें उबाल आ चुकी है। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से हम जो अपनी ग्रेवी हमने बनाई है उसे हम इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे बिकॉज स्ट्रेन करने से वो और सिल्की स्मूथ बन जाएगी और जैसे रेस्टोरेंट में आपको सर्व किया जाता है वैसे सिल्की स्मूथ ग्रेवी हमें चाहिए। सो दैट्स द रीज़न हम एक छन्नी की मदद से इस तरह से उसे स्ट्रेन कर लेंगे और बाद में आप जब खाओगे ना फ्रेंड्स, आपको ये क्रीमी सॉस ही सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारा जो सिल्की स्मूथ मखनी ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। और कमिंग टू द सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ द रेसिपी, हम इस मखनी सॉस को डालेंगे अपने गोभी के ऊपर। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। इस गोभी को जिसको हमने स्टफ करके रखा है उसके ऊपर अपनी मखनी सॉस डालते हैं। हमने ओवन को भी प्री हीट कर लिया है, अराउंड 350 फ़ारेनहाइट या 180 सेल्सियस पर प्री हीटेड है और अब ये जाएगा ओवन में फॉर अबाउट 15 मिनट्स। अगर आपके पास कन्वेक्शन ओवन है तो आप इसे फुल पावर में लगभग 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें और बनने के बाद दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये है एक फीस्ट फॉर योर आईज विच इज़ समथिंग दैट यू विल वांट टू डाइव राइट इनटू। आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, थोड़ा धनिया पत्ता और रेड चिली फ्लेक्स के साथ डेकोरेट करें और इसे कार्व करें इस तरह से और फाइनली इसे इन्जॉय करें। सो ये रहा दोस्तों गोभी मुसल्लम, माय रेंडिशन। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने रिव्यूज़ लिखे, अपने परेशानी लिखे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज देयर। सो गाइज, इसे बनाने की कंप्लीट रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप मेरे वेबसाइट twinskirasoi.in में जाकर भी इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।